उस रस्सी में जो सांप का अनुभव हुआ वो केवल उतना असत्य है, बाकी रस्सी भी सत्य है, सांप भी सत्य है। यथार्थम सर्व विज्ञानम, संसार का समस्त ज्ञान सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य परमात्मा में भाषित हो रहा है, इसलिए वो सब सत्य ही है। अंतर केवल इतना है कि वो व्यवहार में घटित नहीं होता, इसलिए उसको आंशिक मिथ्या, आंशिक असत्य मान लिया जाता है। जैसे सीप को देखा है ना, सीप तालाब में नदी में होती है, चांदी जैसी चमकती है, तो क्या उसमें चांदी होती? बोले हां चांदी होती। यहां तक कि बालू में जो कण चमकते हैं वो क्या है? बोले चांदी ही है, वो चांदी ही है, लेकिन उसको निकालना बड़ा कठिन है, निकालने में जितनी लागत लगेगी उतनी की चांदी नहीं निकलेगी, इसलिए नहीं निकाला जाता। लेकिन बालू में जो चमकती है कण वो क्या है? बोले चांदी है। सीप में भी जो चमक होती है वो रजत की ही चमक है, लेकिन उसको असत्य क्यों माना? बोले असत्य इसलिए माना कि चांदी होते हुए भी वो इस लायक नहीं है कि उस चांदी से पायल बना लिया जाए और गिलास लोटा बना लिया जाए, वो बनाने के योग्य नहीं है, संग्रह नहीं किया जा सकता, इस कारण से उसे मिथ्या मान लिया जाता है। लेकिन यथार्थ ये है कि वो सत्य है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम, हमारे विशिष्टाद्वैत आचार्य जन कहते हैं कि यथार्थम सर्व विज्ञानम, जो कुछ संसार में ज्ञान है सब सत्य है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भी अगली पंक्ति में भक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का जो मत है, इस मत को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यत् पादाप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितीर्षावताम वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। संसार से मुक्ति का उपाय क्या है? भव सागर से पार जाने का मूल मंत्र क्या है? तो ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होगी, कर्म मार्गी कहता है कर्म से मुक्ति होगी, लेकिन भक्त तो कहता है कि भगवान के चरणों के आश्रय के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यही वैष्णव सिद्धांत, यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। और गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं यत् पादाप्लव मेकमेव हि, यत् पादाप्लव, भगवान का चरणारविंद ही प्लवा है, प्लवा माने नाव। संसार सागर से पार जाने की एकमात्र नाव का अगर कोई है तो राम जी का चरणारविंद है। इसीलिए आगे कहा एकमेव, दूसरा नहीं, न ज्ञान न कर्म न अन्य कोई साधन जीव को संसार से पार कर सकते हैं, एकमात्र साधन भगवान के चरणों का आश्रय। और चरणों का आश्रय क्या है? बोले यही शरणागति है, इसी को प्रपत्ति कहते हैं। सब कुछ त्याग कर, समस्त आश्रयों का त्याग करके, समस्त साधनों का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय कर लेना, यही शरणागति है, इसी को प्रपत्ति कहते हैं। और यही प्रपत्ति सर्वोत्कृष्ट साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसीलिए भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने सिद्धांत में कहा है कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः, समस्त जीव भगवान की शरणागति और प्रपत्ति के अधिकारी हैं, और शरणागति ही एकमात्र जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। जिमि हरि शरण न एकहु बाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा। भगवान की शरण में जाकर के ही जीव को परम शांति मिल सकती है। बोले अब किस भगवान की शरण में जाएं? बोले भगवान नाम से तो बहुतों का संबोधन होता है, भगवान सूर्य, भगवान गणपति,
भगवान ब्रह्मा, यहाँ तक कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी हम भगवान ही कह देते हैं, आइए भगवान आपका स्वागत है कहते हैं ना, तो हम सामान्य मनुष्यों को भी भगवान कह देते हैं। तो किन भगवान की शरण में जाएं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तमशेष कारण परम अशेष कारणम। अशेष माने संपूर्ण सृष्टि के जो एकमात्र कारण है, ऐसे भगवान कौन है वो? बोले रामाख्यम, जिनका नाम राम है। रामाख्यम, राम जिनकी आख्या है, राम शब्द के द्वारा जो आख्यायित होते हैं, व्याख्यायित होते हैं, ऐसे जो भगवान हैं, भगवान श्री राम, रामाख्यम ईशम हरिम, ऐसे भगवान श्री हरि की हम शरणागति करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर गोस्वामी जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा प्रकट की। क्या प्रतिज्ञा है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनु। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराण निगम आगम सम्मत भगवान श्री राम का जो पावन चरित्र है, क्वचिदन्यतोपि अन्यत्र भी जो राम जी का चरित्र है, उन सारे चरित्रों को एकत्रित करके स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ जी की उस गाथा को भाषा निबंध, भाषा में मैं उसको निबंधित कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मंजुल मातनोती, जो जगत का मंगल करेगी, जगत का हित करेगी, ऐसे दिव्य चरित्र का मैं निबंधन कर रहा हूँ। किस लिए? बोले स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। लोग कहते हैं महाराज गोस्वामी जी स्वार्थी थे क्या, अपने लिए रामायण लिखा? स्वांत सुखाय, बोले स्वांत सुख के लिए तो स्वार्थी लोग कार्य करते हैं कि भाई हम अपने लिए कर रहे हैं। बोले स्वांत का मतलब स्व का अनेक अर्थ होता है। स्व माने ज्ञाति, स्व माने बांधव, और स्व माने स्वयं, और स्व माने अपने जाति के लोग, ये सब स्व शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो समस्त प्राणियों के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए, भक्तों के लिए, समस्त जीवों के लिए गोस्वामी जी महाराज इस ग्रंथ का प्रणयन कर रहे हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इसके बाद गोस्वामी जी ने वंदना की, पांच सोरठा में पांचों देवताओं की वंदना की। सबसे पहले गणपति की वंदना की, जो सुमिरत सिद्ध होए, जो सुमिरत सिद्ध होए गढ़ लायक परिवर बदन, जो सुमिरत सिद्ध होए गढ़ लायक करिवर बदन, करहूं अनोखे सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहूं अनोखे सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुक होई बाचाल पंगु चले गिरिवर गहन, मुक होई बाचाल पंगु चले गिरिवर गहन, जासु के पासु दयाल सकल जीव कलिमल दहन, जासु के पासु दयाल द्रवु सकल कलिमल गहन, नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहुं सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, करहुं सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणायन, कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परले है करहुं कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन परले है करहुं कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरी,
बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदहु गुरुपद पदुम परागा पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। भगवान गणपति की वंदना की, शिव जी की वंदना की, भगवान नारायण की वंदना की और फिर गुरुजी की वंदना की। गुरुजी की वंदना में गोस्वामी जी ने कैसा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। भगवान का तो नाम लेकर के वंदना की, लेकिन गुरु का नाम लेना उचित नहीं माना जाता। गुरु का नाम लेकर के पुकारा जाए, बोला जाए तो अपराध होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने संकेत में गुरुजी का नाम लिया। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि इनके गुरुदेव भगवान का नाम है श्री नरहरिदास जी महाराज। तो श्री नरहरिदास, श्री नरहरि कहते तो गुरु जी का नाम हो जाता, और गुरु के नाम उच्चारण से दोष होगा, तो संकेत में नाम लिया। नर को आगे किया, हरि को बाद में, और बीच में रूप डाल दिया। कृपा सिंधु नर रूप हरि, अर्थात गुरुदेव कौन है? बोले नर के रूप में हरि ही है। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं, गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्येत कर्हचित। भगवान कहते हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। आचार्यम माम बिजानीयात, गुरु को मेरा स्वरूप समझो। नाव मन्येत कर्हचित, कभी उनकी अवमानना मत करो। नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत, कभी उनको मनुष्य मत समझो। नमर्त्य बुद्ध्या सुयेत, गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। कि जैसे सब मनुष्य हैं, सब मनुष्यों का शरीर हाड़ मांस का बना हुआ, उसी प्रकार हमारे गुरुजी का भी शरीर हाड़ मांस का है, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नमर्त्य बुद्ध्या सुयेत, उनको मनुष्य मत समझो। क्यों? बोले सर्वदेवमयो गुरुः। गुरु कौन है? बोले समस्त देवताओं का स्वरूप है। तो गुरु में, आचार्य में मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी बुद्धि हो? बोले गुरु को मनुष्य मत समझो, नर मत समझो, नारायण समझो। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर के रूप में हरि। रूप तो नर का है, लेकिन है कौन? बोले हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार के पुंज को विनष्ट करने वाला प्रकाश जिनकी वाणी से प्रकट होता है, जासु वचन रवि कर निकर, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। गुरुदेव की वंदना की और फिर आगे भी चौपाई में गुरुदेव की वंदना की। बंदों गुरुपद पदुम परागा, फिर गुरुजी के चरण कमल की वंदना की, फिर गुरुदेव के चरण कमल रज की वंदना की। गुरुदेव के चरण कमल रज की वंदना की और इन सब की वंदना करने के बाद ब्राह्मणों की वंदना की। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, मोहे जनित संशय सब हरना, मोहे जनित संशय सब हरना, बंदहु प्रथम
किशोर चरणा बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। महीसुर, मही माने पृथ्वी और पृथ्वी के जो देवता हैं इनकी वंदना की। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं और शास्त्रों में तो यहां भी यहां तक कहा गया है कि ब्राह्मण किस कारण से देवता हैं इस पे अगर विचार किया जाए तो शास्त्र कहता है कि ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण सृष्टि देवता के अधीन है। जल के देवता वरुण हैं जो जल पर नियंत्रण रखते हैं, वायु देवता वायु पर नियंत्रण रखते हैं, चंद्रमा सूर्य ये सब देवता ही, पृथ्वी का नियंत्रण करने वाली भूदेवी इसकी अधिष्ठात्री देवी, यहां तक कि पेड़ में देवता पत्ते में देवता, सर्वत्र देवता का चिंतन किया गया। संपूर्ण सृष्टि देवताओं से वो तप्रोत है, तो संपूर्ण सृष्टि देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण सृष्टि देवताओं के अधीन। और वो देवता किसके अधीन है? बोले मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र पढ़ो तो आएंगे, मंत्र पढ़ो तो प्रसन्न हो जाएंगे, मंत्र का मंत्र की साधना कर लो तो देवता प्रकट हो जाएंगे। तो देवता किसके अधीन है? बोले मंत्र के अधीन। जगत देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता। और वो मंत्र किसके अधीन है? बोले ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, क्योंकि ब्राह्मण ही वेद पढ़ करके उन मंत्रों को अनुभव करता है और फिर उन मंत्रों को बताता है। तो ये जितने वेद के मंत्र हैं, जिन मंत्रों के अधीन देवता लोग हैं, वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण देवता है। इसीलिए ब्राह्मण देवता की महीसुर की वंदना की। बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण की विशेषता क्या है? बोले मोह जनित संशय सब हरना, जिनके उपदेश के द्वारा मोह जनित संदेह नष्ट हो जाता है। अज्ञान जनित जो संदेह है वो संदेह कब नष्ट होगा? बोले जब ज्ञान प्राप्त हो। और वेद शास्त्र का ज्ञान ब्राह्मणों के द्वारा ही प्राप्त होगा और उस ज्ञान के द्वारा ही मोह का नाश होगा। इसलिए मोह जनित संशय सब हरना। और इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा के स्वरूप का वर्णन किया, सत्संग की महिमा बताई। सत्संग की कितनी महिमा है? संत समाज रूपी तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने का फल क्या है? इस रूपक के द्वारा सत्संग की महिमा का वर्णन। संत समाज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थ राज प्रयाग के रूप में अनुभव किया। ये संत समाज कैसे हैं? बोले चलते फिरते तीर्थ राज प्रयाग, जिम जग जंगम तीरथ राज। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? बोले तीर्थ राज प्रयाग जो इलाहाबाद जनपद में है, वो तीर्थ राज प्रयाग तो वहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। कोई उनके पास जाए तब उनका लाभ ले पाता है। लेकिन ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग ऐसे हैं जो ये स्वयं चल चल करके सबके दरवाजे पहुंच जाते हैं। जिम जग जंगम तीरथ राजू, जंगम का मतलब चलायमान, आज की भाषा में जिसको मोबाइल कहा जाता है, चलता फिरता। तो उसी प्रकार ये संत समाज कौन है? बोले चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, जिम जग जंगम तीरथ राजू। और इनकी विशेषता क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग में आप स्नान करो, त्रिवेणी में स्नान करो तो मरने के बाद फल मिलेगा। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थ प्रयाग में अगर आपने स्नान किया, सत्संग किया, तो इसका फल तत्काल मिल जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला और काक हो ही पिक बकहूं। बोले महाराज
संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी क्या है? जब प्रयाग से उपमा दी तो सारी बातें समान होनी चाहिए, तो तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती। तो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी क्या है? बोले त्रिवेणी में तीन है, गंगा और यमुना और सरस्वती। तो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में राम जी की कथा ही गंगा है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसार। और सरस्वती कौन है? बोले ब्रह्म विचार। हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो इस कथा के मध्य में, बीच बीच में जो ब्रह्म तत्व का निरूपण होता है, वो ब्रह्म तत्व निरूपण ही सरस्वती है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती, कभी कभी प्रकट होती। जैसे प्रयाग में गंगा जी तो दिखती हैं, जमुना जी तो दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं दिखती, रहती उसी में। इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी का मतलब तीन धाराओं से मिल करके जो बेणी बनती है उसको कहते हैं त्रिवेणी। बेणी माने चोटी, ये माताएं जो चोटी बांधती हैं इसी को वेणी कहते हैं। और बेणी की विशेषता क्या होती? बोले जब बाल को पहले तीन भाग करती हैं और तीन भाग करके तब उसको गूंथती हैं, लेकिन गूंथ जाने के बाद जब देखो तो उसमें दो ही दिखाई पड़ता है। चाहे उस चोटी को ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, लगता है कि दो ही धारा आ रही है जा रही है, रहती तीन है लेकिन तीसरी उसी में लुप्त रहती, दिखाई नहीं पड़ती। तो जिस प्रकार से वेणी में तीन धाराएं होने पर भी दो धाराएं ही दिखती हैं, उसी प्रकार से प्रयाग में गंगा और यमुना की दो धारा तो दिखती है लेकिन तत्र लुप्ता सरस्वती, सरस्वती वहां लुप्त रहती उसी के अंदर। उसी प्रकार संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री राम की पावन कथा और भक्ति क्या है? बोले गंगा है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। और इसी के बीच में छिपी हुई सरस्वती क्या है? बोले ब्रह्म विचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और जमुना कौन है? विधि निषेध में, विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथार बिनल दल बरनी, करम कथार बिनल दल बरनी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, 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 विधि निषेध में कलिमल हरणी। कर्म कथा, कर्म की जो कथा है यही जमुना है। जमुना कौन है? सूर्य भगवान की बेटी है, रविनंदनी। रविनंदनी माने सूर्य की बेटी। तो कर्म कथा क्या है? बोले कर्म कथा ही जमुना है इस त्रिवेणी की। और कथा के बीच बीच में कर्म कथा भी तो आती ही। कर्म कथा क्या है? बोले कर्म कथा का मतलब वेदोक्त कर्म। वेदों में जिन कर्मों का निरूपण किया गया है कि ये कर्म करना चाहिए और ये कर्म नहीं करना चाहिए, इसी को कहते हैं विधि और निषेध। विधि माने करना और निषेध माने न करना। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध रूप जो शास्त्र की प्रवृत्ति है, शास्त्र का उपदेश है, कर्म कथा है, यही जमुना है। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदनी वरिणी। और इस कर्म कथा का भी हमारे जीवन में महत्व है। कर्म कथा का क्या महत्व है? बोले विधि निषेध में कलिमल हरिणी। कलयुग का जो मल है हमारे जीवन में वो कर्म के द्वारा ही धुलेगा। केवल हमारे जीवन में भक्ति हो और कर्म का लोप हो जाए, हम कर्महीन हो जाएं और केवल राम ही राम करते रहें और वेदोक्त कर्मों का अपने जीवन में पालन न करें, तो कलयुग का मल हमारे हृदय से दूर नहीं होगा। कर्म की भी निष्ठा होनी चाहिए साथ साथ। आजकल लोग कहते हैं महाराज हम तो भक्त हैं
हमको कर्म करने की क्या जरूरत, न संध्या करेंगे, न वंदन करेंगे, न पितरों का तर्पण करेंगे, न श्राद्ध करेंगे, वैदिक कर्मों से उनको जो है कोई रुचि नहीं रहती। तो अगर वैदिक कर्मों से कोई रुचि आपकी नहीं है, वेदों में बताए हुए जो कर्म समय समय पर करने चाहिए, पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए, अमावस्या अमावस्या को पितरों का तर्पण करना चाहिए, और जितने संस्कार वेदों में बताए गए हैं, यज्ञोपवीतादि विवाहादि संस्कार, उन संस्कारों को शास्त्र की विधि से करना चाहिए, यही कर्म है। और इन कर्मों का शास्त्र के ढंग से, शास्त्र की विधि से अगर आप पालन नहीं करते हैं तो केवल भक्ति मात्र से कल्याण नहीं होगा, कर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा। कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीनों का समन्वय ही पूर्णता है। इसलिए भागवत में, भागवत के महात्म्य में ही सबसे पहले वर्णन किया गया कि भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य बीमार थे और भक्ति रो रही थी। अगर ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति का काम चल जाता तो भक्ति क्यों रोती? इसका मतलब यही है कि केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, केवल भक्ति होगी तो भक्ति रोती रहेगी, दुखी रहेगी। भक्ति के पुत्र कर्म, ज्ञान, ज्ञान वैराग्य, ये जब ठीक रहेंगे तभी भक्ति को भी आनंद मिलेगा, तभी वो भक्ति तुम्हें जीवन में आनंदित कर पाए। इसलिए कर्म की निष्ठा भी होनी चाहिए, और ये कर्म निष्ठा ही हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाती है, अंतःकरण को निर्मल करती है। लोग कहते हैं महाराज भगवान श्री राम के नाम में ही सब कुछ शक्ति है, उससे काम नहीं चल जाएगा। तो कहते महाराज संध्या वंदन करना कोई जरूरी है? हम सवेरे 11 माला राम नाम का जप कर लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, क्या इतने से काम नहीं चल जाएगा, संध्या वंदन करना ही पड़ेगा? बोले काम तो चल जाता, काम तो इतने से चल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से तुम ब्राह्मण हो गए, दुर्भाग्य से तुम क्षत्रिय हो गए, दुर्भाग्य से तुम वैश्य हो गए। अगर तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होते, चांडाल होते, अंत्यज होते, तो तुम्हारा केवल इतने से काम चल जाता। लेकिन अगर ब्राह्मण के कुल में, क्षत्रिय के कुल में, वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए हो तो इतने से काम नहीं चलेगा, संध्या वंदनादि कर्म को भी करना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। कर्म का लोप जीवन में नहीं होना चाहिए। लोग प्रमाण देते हैं कि भगवान का नाम ही अंक है, बाकी साधन तो शून्य है। राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। तो कर्म, ज्ञान, वेदोक्त वैदिक कर्म, ये सब शून्य है, राम नाम ही एक अंक है। अंक चला जाए तो शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए महत्व तो अंक का है, इसलिए हमने अंक को पकड़ रखा है, शून्य को हमने छोड़ दिया। बोले छोड़ तो दिया लेकिन घाटे में पड़ गए। क्यों घाटे में पड़ गए? बोले शून्य को अगर छोड़ दोगे तो अंक अंक ही रहेगा, एक ही रहेगा, वो दो नहीं हो सकता। लेकिन अगर शून्य को पकड़ लोगे तो तुम्हारे एक के बगल में एक शून्य लगा दिया जाए तो वही 10 गुना हो जाए, 10 बन जाता है। एक शून्य और लगा दीजिए तो 100 गुना हो गया, और शून्य को हटा दीजिए तो फिर एक का एक ही रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा। भगवान की भक्ति अंक है, भगवान का नाम अंक है, बाकी साधन शून्य है, ये मैं मानता हूं, लेकिन शून्य का भी अपना महत्व है। अगर वो शून्य लगता चला जाए तो आपका एक अंक धीरे धीरे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होता चला जाए। आप संध्या वंदन करो, नित्य कर्म करो, वैदिक कर्मों का पालन करो, इतना करते हुए एक बार राम नाम ले लोगे, वही एक राम नाम करोड़ राम नाम के बराबर हो जाए, एक राम नाम वो करोड़ राम नाम के बराबर हो जाए। और करोड़ों राम नाम आप ले लो और वैदिक कर्मों का जीवन में अनुपालन न हो तो एक का एक ही रहेगा मेरा, ये इसका अर्थ है। भगवत पाद ब्रह्मलीन श्री कृपात्री स्वामी जी महाराज ऐसा कहा करते थे, उनके प्रवचन में दास ने सुना है। बंधुओं, एक बड़ी सुंदर बात पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि शून्य का अगर कोई महत्व नहीं है तो आप किसी से
1 करोड़ रुपए का दस्तावेज लिखवाने जाओ, 1 करोड़ रुपए का दस्तावेज जब लिखा जाए तो उसमें जब मूल्य दर्शाया जाए कि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इनको दी जा रही है, वहां पर कह दे भाई शून्य का कोई महत्व नहीं, सब शून्य हटा दो, एक ही लिख दो, तो 1 लिखने के बाद जब आप करोड़ की संपत्ति लेने जाओगे तो व्यक्ति यही कहेगा भैया 1 ही रुपया का तो दस्तावेज लिखा गया, आप 1 रुपये ले लो, भागो यहाँ से चलो, शून्य का कोई महत्व नहीं है, शून्य अगर आपने हटा दिया तो आपकी करोड़ों की संपत्ति 1 रुपये के बराबर है, लेकिन वो शून्य लगा रह गया तो वही शून्य आपको आपके 1 रुपये को 1 अरब रुपये भी बना सकता है। इसलिए जीवन में कर्म की निष्ठा भी होनी चाहिए। विधि निषेध मय कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदनी वरिणी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल दिन। ये तीर्थराज प्रयाग जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, इसमें बट वृक्ष क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग में तो अक्षय बट है। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का अक्षय बट क्या है? बोले बट विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा।